दे वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. मैं मुसलसल अपने ब्लॉग्स में ये बात करता हूँ, आज वॉशिंगटन डीसी से अगर भारतीय टेक्नोक्रेट्स निकाल दिए जाए तो एक दिन के अंदर अमेरिका बैंक्रप्ट हो जाएगा. वो टेक्नोक्रेट कौन है? वो एजे बंगा है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो गूगल वाले हैं, वो फेडएक्स वाले हैं. हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है. बल्कि यहाँ पे एक आजकल ये कहा जाता है ओपनली कि अगर भारतीय सीईओ नहीं होगा तो ये कॉर्पोरेशंस नहीं चल पाए. इंडियन असल में बात ये है कि इंडियन कम्युनिटी ना उनका प्राइम मिनिस्टर देखा जाए मोदी तो वो भी दूसरी तीसरी बार सिलेक्ट हो रहा है. तो जब कोई भी किसी टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मिलेगा सर्व करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्व किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं. मेन रीज़न ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है उनकी. इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर. मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 तक सोच रहे हैं. मुबारकबाद देना चाहूंगा. तो उनकी इकॉनमी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज कर गया और एशियन नहीं पूरे यूरोपियन कंट्री भी मान रहे हैं कि इंडियन किस लिहाज से ना तरक्की कर रहे हैं. हर जगह पे गूगल में गूगल का सीईओ इंडियन है और काफ़ी ज़्यादा मसलन के इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को. दोस्तों भारत अब भारत में ही नहीं स्ट्रांग होगा, पूरी दुनिया के अंदर भारतीयों ने भारत को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि आज पूरी दुनिया भारतीयों के बिना चल ही नहीं सकती. ये हकीकत है दोस्तों, ये सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को नहीं मानता है वो बेवकूफ़ है. क्योंकि भारतीय इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार और इतने शरीफ, हर जगह भारतीयों का डंका बोलता है दोस्तों. इसीलिए आप देख लीजिए पूरी दुनिया भारतीयों को बुलाती है, बिना वीजा के बुलाती है कि आप आ जाइए, बस हमारे यहाँ पे आ जाइए. क्योंकि उनको मालूम है अगर जिस देश के अंदर भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो देश उतनी ही तरक्की करेगा. क्योंकि पढ़े लिखे ईमानदार शरीफ लोग पूरी दुनिया मांगती है, और इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है भारतीयों की. अभी इसराइल ने 1,00,000 मांगे थे दोस्तों. यही भारत की ताकत है. आने वाले दिनों के अंदर भारतीय हर जगह पर रूल करते हुए आपको मिलेंगे. धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जा ही रहे हैं. आप देख लीजिए ब्रिटेन में भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कई भारतीय हैं. ऐसे ही कई देशों के अंदर भारतीय धीरे धीरे अपना प्रसुख बढ़ाते जा रहे हैं. आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों. वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. दे वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. मैं मुसलसल अपने ब्लॉग्स में ये बात करता हूँ, आज वॉशिंगटन डीसी से अगर भारतीय टेक्नोक्रेट्स निकाल दिए जाए तो एक दिन के अंदर अमेरिका बैंक्रप्ट हो जाएगा. वो टेक्नोक्रेट कौन है? वो एजे बंगा है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो गूगल वाले हैं, वो फेडएक्स वाले हैं. हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है. बल्कि यहाँ पे एक आजकल ये कहा जाता है ओपनली कि अगर भारतीय सीईओ नहीं होगा तो ये कॉर्पोरेशंस नहीं चल पाएंगे. तो इसका क्या मतलब है कि इनका फ्यूचर जो है इज रिलाइंग ऑन समबडी एल्स, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. दुख से कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने 36 साल अपनी किश्तियां जला कर आया था और अपनी आंखों के सामने इस सारी बर्बादी देख रहा हूँ. मैं घर से निकलता हूँ, आरजू सारा दिन मरवाना की वीड की स्मेल आती है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो. जहाज इनके उनके दरवाजे खुल रहे हैं, घिरते फिर रहे हैं, ट्रेनें इनकी रुक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं. वर्क फ्रॉम होम आज तक चल रहा है. आज तक फेडरल डिपार्टमेंट के कई ऐसे फेडरल ऑफिस हैं जहां उनके ऑफिस बंद हैं और सारे के सारे एम्प्लॉय आज भी घर से बैठ के काम कर रहे हैं. बल्कि नया ट्रेंड है कि अगर उनको कहा जाए कि दफ्तरों में वापस आए तो वो कहते हैं यू आर रेसिस्ट, हमें घर से काम करना है. और घर से काम नहीं होता ये सारी दुनिया. बिल्कुल. लेकिन उसमें देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है रशिया और चाइना का अलायंस है. और वो अलायंस स्ट्रांग है, वो अपना नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की तैयारियां कर रहे हैं. कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, डॉलर सड़कों पे उड़ेंगे. ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी बनाने के लिए तैयार है, वो बना लिया तो ये उड़ते फिरेंगे, इनके हालात खराब हो जाएंगे. दूसरा जो पहले सुना जाता था पेट्रो डॉलर, क्योंकि डॉलर की ट्रेड ऑयल की ट्रेड सारी डॉलर में होती थी, अब वो पेट्रो युआन के नारे लग रहे हैं. पहले जहां कैंप डेविड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते थे अब वो बीजिंग में हो रहे हैं. उसकी मिसाल सऊदी अरेबिया और ईरान की है. उसके बाद देखा जाए तो इस वक्त हमास और हिजबुला ये भी जाके मुलाकातें बीजिंग में कर रहे हैं. और यहाँ पे ना ओबामा साहब को परेशान है,
और बाइडन साहब का तो मैंने बताया है कि वो अगले दिन स्टेज पे चढ़े डीडी पे फ्रांस में, तो उन्होंने अपने पैंपर के अंदर ही पेशाब कर दिया, उनके तो हालात ही है। तो देखें अब आने वाले दिन क्या लेकर आते हैं। इसमें एक चीज है, इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर। मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 तक सोच रहे हैं। He's nationalist and I'm glad कि he's in power again। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और हर किसी जो हमारे भारतीय दोस्त ने वोट डाला है, अब मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी वजह से जमहूरियत स्ट्रांग है उस रीजन के अंदर। काश मैं जहां आप बैठी हैं, जहां जो मेरा मादर मुल्क, मेरी मादर मिलत है, वहां पे भी इसी तरह की जमहूरियत हो। मतलब इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं करना, इन्होंने लोगों को बोलने से रोकना है। आप तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं रहे पिछले 76 सालों से। मैं जब भी आरजू जो भी पाकिस्तान रिलेटेड हिस्ट्री की किताब पढ़ता हूँ, शर्मिंदगी होती है उसमें से। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, और ना सिर्फ मैं मायूस हूँ, तकरीबन 25 करोड़ लोग मायूस हैं, और उसका कोई हल किसी के पास मौजूद नहीं है। वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड टू बिगिन विद। इसमें लीडरशिप का फुकदान है, इसमें DNA का नुकसान है, इसका एलिमेंट है उसका, तालीम से हमारी दुश्मनी है, हमारे ऊपर इस्लाम का चूर्ण बेच बेच के मुख्तलिफ किस्म का इस्लाम, मेरी समझ से बाहर है कि कोई सलूशन। ठीक है, मैं इस्लाम पे ठीक है, उसको इन्फोर्स करो ना भाई, इन्फोर्स कर दो तो फिर आपके खुद अपने पांव जलने शुरू हो जाएंगे। इस्लाम से भी डरते हो आप, शरिया से भी डरते हो। हाँ, आप सिर्फ ये चाहते हो कि इसको इस्लामी टच दे के सिर्फ वोट लिए जाए, तो ये तो खतरनाक बात है। ये बड़े लोग कर रहे हैं, जियाउल हक साहब के टाइम से ये फैशन है और सारे इसको कैश करा रहे हैं। हम सुना करते थे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन सबके CEOs इंडियन हैं, लेकिन अब कभी UK, कभी पुर्तगाल और अब आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन आ गए। क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा क्यों छाया हुआ है? इंडियन असल में बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी ना उनका प्राइम मिनिस्टर देखा जाए मोदी, तो वो भी दूसरी तीसरी बार सिलेक्ट हो रहा है, तो जब कोई भी किसी टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मिलेगा सर्व करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सर्व किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है उनकी, तो उनकी इकानमी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज़ कर गया, और एशियन नहीं पूरे यूरोपियन कंट्री भी मान रहे हैं कि इंडियन किस लिहाज से ना तरक्की कर रहे हैं। हर जगह पे गूगल में गूगल का CEO इंडियन है, और काफ़ी ज़्यादा मसलन के इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यही मसलन के अब प्राइम मिनिस्टर UK का भी, आयरलैंड का भी, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये काफ़ी मसलन के पाकिस्तान दूसरी बनिस्बत अगर पाकिस्तान को देखा जाए, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अभी पॉलिटिकली कंडीशन क्या चल रही है पाकिस्तान की। तो ये पहली तो बात, हम एक कौम बन के चल नहीं रहे, ठीक है। दूसरी ये बात कि हमें कोई ऐसा हुक्मरान मिल नहीं रहा जो मसलन के हमें लीड करे और हम उसके नज़रिए के साथ चलें, तो मेन ये डिफरेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो दूसरी तरफ मोदी को देखा जाए या इंडियन को देखा जाए ना, वो एक लीडर के साथ चल रहे हैं, उनकी पॉलिटिकली कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है।